सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डिविन्स व्लॉग। मैं आपको अपना पीयूष। तो आज हमने करवा लिया हेयर कट और दिल्ली आए हमें एक दिन हुआ है जस्ट अभी, और आज हम जा रहे हैं सामा मस्जिद बोले तो ओल्ड दिल्ली, और कुछ फूड ब्लॉग करने हैं और आज कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपको ब्लॉग के साथ पता चलेंगे। तो चलिए, आमिर भाई हमारा वेट कर रहे हैं और समय से पहले हम जाते हैं पहुँच। सामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पहुँच गया और दो नंबर से हमें एग्जिट होना है। आमिर भाई का फ़ोन आया था कि दो नंबर में वो वेट कर रहे हैं, और भाई 6:06 का अपना वो है काम याद आ गया कुछ टाइम ना, तो उससे पहले हमें पहुँचना है। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले। तो भाई फाइनली बाहर आ गए और अब थोड़ा सा मास्क लगा ला, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। 2-3 महीनों से मास्क लगा, एकदम से फिर मास्क लगाना पड़ रहा। हाँ आमिर भाई, गेट नंबर 2 से तो एग्जिट ले लिया, काफ़ी बढ़िया लग रहा। तो भाई आमिर भाई से मिल लिए आते ही, हम आ गए हैं जामा मस्जिद, बस चले फिर। हाँ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, थोड़ा लेट होगा उसके लिए मास्क लगाना पड़ेगा। तो चलो फिर चलते हैं, सामने हमारे मस्जिद है ही, पहुँचते हैं फटाफट। तो भाई हम लोगों ने रुआफ़ा वगैरह ले लिया और उसके बाद हम लोग चल दिए मस्जिद में, और अभी कुछ और भी लेना है। हाँ, अफ्तार के लिए हमें थोड़ा सा फ्रूट चाट चाहिए होगी। ओके, और फ्रूट चाट चाहिए, थोड़ी पकौड़ियाँ, बिना पकौड़ी के अफ्तार कैसे हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और ऑफकोर्स डेट्स, मतलब डेट पे हम जाते नहीं हैं, हम डेट खाते हैं, खजूर। सरल भाषा में बात की जाए तो, और बाकी इससे जो हमें शॉट लेने थे हमने ले लिए, बाकी जो हमारा इससे शॉट चलता है वो तो हम लेते ही रहते हैं। अरे भैया स्टोर को मत जाओ, मार्केट है तो स्टोर को। ओहो भीड़ देख लो यार, कम से कम नहीं तो यहाँ से 20-30 हज़ार लोग होने वाले हैं। पहला एक्सपीरियंस है आई थिंक मेरा पीयूष का, सही बात है, अफ्तार करने का, वो भी जामा मस्जिद में, है ना। ये चीज़ें सही में एक्सपीरियंस लाइफ में हर चीज़ करनी चाहिए। हाँ। और मैं कर रहा हूँ, आई होप आप भी करें। भाई अंदर जाने से पहले फटाफट रिमूव कर लेते हैं अपने शूज, क्योंकि भाई किसी भी धार्मिक स्थल या फिर वर्षिप वाली जगह पे हम लोग शूज़ पहन के नहीं जा सकते। तो चलिए फटाफट रिमूव कीजिए भाई। तो भाई अजान हो गई और अपना समय हो चुका है अफ्तार का, तो चलिए फिर अफ्तार कर लेते हैं। ओके, तो आज खजूर भी खाते हैं, कोई बात नहीं यार, टेस्ट से ज़्यादा बढ़कर। तो भाई अपना खाना पीना तो हो गया इफ्तार के बाद, और अब भाई बैठे हैं नमाज़ पढ़ने, आमिर भाई तो जा रहे हैं भाई नमाज़ पढ़ने। उससे पहले मैंने कहा आपको कुछ सीन्स दिखा देता हूँ, यहाँ के काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मैं रात को फर्स्ट टाइम जामा मस्जिद आया हूँ अपनी लाइफ में, और फर्स्ट टाइम मैंने सेलिब्रेट किया है, और सुबह हम लोग सहरी भी करने वाले हैं। तो ब्लॉग में बने रहें, इसी ब्लॉग में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो भाई हम लोग इफ्तार करके तो बाहर आ चुके हैं, और अब जाके जामा मस्जिद की खूबसूरती अभी अंदर आपने देखते तो देखते बनती, क्योंकि हमने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस लिए। हाँ, तो इस क्लिप के बाद हम वो आपको दिखाएंगे। और ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, दोनों के हैंडल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं डालना भूल जाऊँ तो पहले बता दूँ, हामिर 69 ब्लॉग्स, ठीक है, और इधर पीयूष सिंह ब्लॉग्स, और इंस्टाग्राम हैंडल जो है आमिर मुदस्सिर के नाम। बिल्कुल, और बाहर देखिए भीड़, खूबसूरती तो यही है पुरानी दिल्ली की, ये तो है पूरा खाना खजाना है ना। तो भाई हम लोग खूबसूरती को पीछे छोड़ते हुए चलते हैं चांदनी चौक, तो चलते हैं चांदनी चौक। हाँ भाई, और वहाँ पे क्या करना है? वहाँ पे पहले तो मैं सोच रहा हूँ चांदनी चौक में जाके प्याज भी बहुत लग रही है, तो मैं सोचा यार दौड़ से अच्छा पानी कहाँ मिलेगा पीने के लिए, तो चलिए फिर चलिए। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं चांदनी चौक, और कोई भाई हेयर स्टाइल देख के नहीं हंसेगा, मेरे को खुद अजीब लग रहा है, बालों के साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी जा चुका है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, रात को हमने सोचा आइसक्रीम खा ले, बट एक प्रॉब्लम है, आमिर भाई नहीं खा सकते। मैं आइसक्रीम इसलिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आइसक्रीम नहीं खा सकता, ऐसी कोई एलर्जी नहीं है, कोल्ड हो रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने थोड़ा अवॉइड करा। तो कोई समझ रहे हो, ठंड लग गई है, गर्मी में ठंड लग गई है, समझ रहे हो भैया जी। तो भाई हम लोग चल दिए अभी गुरुद्वारे की ओर, और हमें सुबह
सहरी करनी है, तो हम लोग अभी करेंगे रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं हाँ। और उसको विश्राम बोलते हैं, रेस्ट इन पीस वाला रेस्ट नहीं विश्राम, इसीलिए हिंदी में भी मैं बोल दूँ। तो अभी हम लोग खड़े हैं स्टेट बैंक, एक ऐसी बिल्डिंग जो अंग्रेजों के द्वारा बनी है, और इंडिया का आई थिंक सबसे पुराना मैकडॉनल्ड लग तो नहीं रहा। अरे नहीं देख लो ना इसका, चल आजकल मैकडॉनल्ड ऐसा कहाँ होता है, फैंसी हो गया। बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि बिल्डिंग्स ऐसी हैं और किसी ने फ्रेंचाइजी लेके यहाँ डाल दी है। तो भाई हम लोग आ गए गुरुद्वारे से अब जामा मस्जिद के सामने और टाइम हो चुका है सहरी का। राइट, सहरी का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 2:15 अभी टाइम हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और कुछ फूड अपने लिए लेते हैं ताकि हम वो सहरी में खाएं और फिर हमारा पास स्टार्ट। और उसको क्या बोलते हैं वो जो पराठा सा होता है? अरे वो पराठा नहीं होता, उसको बोलते हैं खजला। खजला हाँ। तो चलो वो चीज़ हम दिखाते हैं, और ये जो रास्ता दिख रहा है हमें इसी से चलना है आगे की ओर। तो भाई हम लोग आ चुके हैं शाही टुकड़ा खाने, ये है वो भी मैंगो आइसक्रीम खा रहा, ये जो मैंगो आइसक्रीम है ये यही बनती है। और सहरी का जो भी समय हो चुका है, चलो खाओ खाओ यार जल्दी खाओ अब, और थोड़ा संभल के संभल के जबान ना जल जाए। भाई ये देसी घी से बना हुआ है, इतना ज्यादा गर्म होगा जुबान में डालते हैं जुबान जल जाती है। और जुबान बोली भैया जिस टाइप का आदमी हो ना उस टाइम में यही दिक्कत है कि तुम देखते नहीं हो, बस खाना स्टार्ट कर देते हो तो ध्यान मज़ा आ गया। और तुम सोच रहे हो कि शाही टुकड़ा बनता कैसे है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, जो ब्रेड होती है ब्रेड मक्खन दूध और क्या बोलते हैं देसी घी खोया खोया इन सब चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। तो इस मीन्स की नुकसान भी नहीं करेगी, फायदे तो बहुत ही। भाई शहरी को ऐड करने का समय आ गया, तो हमने कहा समय जब आ ही गया है तो क्यों ना कुछ बढ़िया खाया जाए। तो हमने ले लिया चिकन बिरयानी, और अब चिकन बिरयानी से करेंगे हम शहरी का एंड। और मुंह में से निकल गया यार, इतना ज़्यादा मुंह में पानी आ रहा है, भूख लगी है। तो कोई नहीं चिकन बिरयानी को टेस्ट करते हैं। पीयूष ने आई थिंक पहली बार इफ्तार करा है और साथ के साथ उसके बाद पूरी रात हम जागे हैं, उसके बाद सहरी भी करी है। तो यार बहुत मज़ा आया, कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, और वो भी जामा मस्जिद में आके किया। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है, ये मेरा गुड लक बोलो कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें ऐसे नए नए रिलीजन्स के बारे में जान पा रहा हूँ, लोगों के साथ घुल पा रहा हूँ, मिल पा रहा हूँ। मैं खुश नसीब हूँ, खुश मत बोल सकते हो कि मैं उन पॉलिटिशियंस से दूर हूँ जो आपस में मतभेद फैला रहे हैं, लड़ाइयाँ करवा रहे हैं। कसम से बता रहा हूँ, नहीं तो मैं वंचित रह जाता ऐसी चीज़ों से, और मैं नहीं चाहता मैं हरे देश में जितने भी धर्म है जितने भी जाती है और मैं उन चीजों से वंचित हूँ। धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ हर धर्म। ब्यूटी हमारी इंडिया की, मतलब इतने सारे धर्म के लोग, इतने सारे कल्चर के लोग ऐसे मिलजुल के रहते हैं, तो मिलजुल के रहना चाहिए। और मेरा भी रहते हैं, रहते थे और रहेंगे भी, बट कुछ लोग उसमें देखो बोलते बोलते भी अटक जा रहा हूँ। पहले पॉलिटिशियंस हैं ऐसे, पॉलिटिशियन इतना फैलवा दिया दिल्ली में, तो कोई नहीं अब चलते हैं कहाँ, लाल किला। थोड़ा सा लाल किला थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ बैठते हैं और विश्राम मिलेगा, फोटोज मिल जाएंगे आपको, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बिल्कुल स्टोरी वहीं मिलेगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर कर देना सबके साथ। दुख गया यार। और इंस्टाग्राम हैंडल जो है पीयूष सिंह ब्लॉग है, आमिर मुदस्सर नाम से है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे आपको जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ, ठीक है अपना।